ये देखिए, ये गुड़िया रो रही है, इसकी आंखों में से बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ खेलिए बच्चों के खिलौने में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक गुड़िया लाई हूँ जिसका नाम है लाला। क्राई बेबीज़ के सेट में से है ये, इसे सी टॉयज़ ने बनाया है और 18 महीनों से बड़े बच्चों के लिए है ये। बेबी बॉर्न जैसे ही, जैसे आपको पता है कि असली आंसू मतलब रोती है ये गुड़िया और आंसू गिराती है, और वो जब तक शांत नहीं होगी जब तक आप इसको चूसनी नहीं दे देते, तो शांत कराने वाली चूसनी होती है ये। कहाँ है? अरे हाँ, ये देखिए यहाँ है। तो ऐसी है ये चूसनी, और यही हमको बचाएगी जब हमें गुड़िया को शांत कराना होगा। तो और भी गुड़िया है इस सेट में, लेया और कोनी सेट मतलब ये जो क्राई बेबीज़ का वर्जन है, इसमें लेया और कोनी भी है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, जिसे आप देख रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही, उसने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहन के रखा है, बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम है ये, एकदम मुलायम कपड़े वाला, और जैसे हम बोल सकते हैं टकसाल हरी मतलब मिंट ग्रीन का कॉस्ट्यूम है, माउस कॉस्ट्यूम बोल सकते हैं इसको। इसके छोटे दो कान हैं जिसमें गुलाबी कपड़े में छोटे छोटे दिल है, और इसकी आँखें भी हरी है, पिंक या मतलब गुलाबी या बैंगनी कलर के बाल और आईब्रोज है इसके, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बहुत ही कल्पना उन्होंने बहुत डाली है इसमें, रूज लगाया है गालों पर, हाथ और पैर इसके मुझे लगता है हिल भी सकते हैं। और ये चूसनी, अगर ये देखिए ये लगाई और निकाली तो बहुत ही रोएगी गुड़िया, और ये लगा दी चूसनी वापस तो गुड़िया शांत। ये देखिए हाथ पैर इसके हिल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि बैटरी से संचालित है। ये देखिए इसके पीछे बैटरी लगी हुई है, और इस बटन से आप गुड़िया को बंद या चालू कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इसको। जी हाँ, तो ये तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है। चलिए देखते हैं कि चूसनी निकाल के अरे बाप रे, ये बहुत रो रही है। बहुत ही रो रही है ये, और कब तक इसकी आवाज सुन सकते हैं, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस बस यार, चूसनी लगा दी तो देखिए शांत हो गई गुड़िया, और ये बीच बीच में से मस्त हंसने की आवाज़ उसकी, या फिर छोटे बच्चे जैसे बात करते हैं वैसी आवाज़। और ये देखिए, ये जो कंपार्टमेंट है ये पानी के लिए है, इसमें अगर पानी ना हो तो आँखों में से आंसू नहीं आएंगे। तो खोल के देखते हैं, इसमें मैं पानी भर दूंगी ताकि फिर आँखों में से आंसू आए इसके रोते वक्त। थोड़ा अजीब है कि ये पीछे ये कंपार्टमेंट है, पर हाँ मैंने पानी अभी भर दिया है, और ये बटन दबाने के बाद वो चालू हो जाएगी गुड़िया रोना। नहीं हो रही है, पता नहीं क्या। शायद मैंने गलती से इसको बंद कर दिया है क्या, देखती हूँ। नहीं, ये तो चालू है। ठीक है, बंद करके फिर से चालू करते हैं। ये देखिए रोने लग गई, ये देखिए आंसू आ रहे हैं इसके आँख में से। अरे बाप रे, ये तो एक ही आँख में से आंसू आ रहे हैं, दूसरी आँख में से नहीं आ रहे। पता नहीं,
ये देखिए दूसरी आँख में से भी आंसू आने लग गए। ये तो बहुत ही रो रहे हैं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बस अभी फिर से इसको खिलौना दे देती हूँ मुँह में। तो देखिए ये बंद हो गई रोना। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा खिलौना है, बहुत ही अलग है। और इसकी टोपी भी मैं इसको पहना देती हूँ। मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं होता कि जब इतना ज़ोर से बच्चा कोई रो रहा हो। फिर से निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा वो। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, सॉरी सॉरी, मैंने बहुत रुलाया है इसको। तो ये देखिए आंसू, और नहीं देख सकती मैं। अरे गिर गई। हाँ तो मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको ये गुड़िया कैसे लगी, क्या आपके पास ऐसी कोई रोती गुड़िया थी या है। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ऐसी वीडियोस के साथ आते रहेंगे हम दिलचस्प वीडियोस के साथ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये गुड़िया कैसे लगी, और क्या आप ऐसी गुड़िया खरीदना चाहेंगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।